हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ यह है कि हम लोग स्विमिंग पूल में बोलेरो को स्पॉन करके उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि बोलेरो के ऊपर हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, इसकी छत पे, ठीक है। तो मैंने इसको स्विमिंग पूल में स्पॉन कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर खड़े कैसे हुए यही समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं आ चुका हूँ इसकी छत के ऊपर और आप देख सकते हो कि ये मुझे नीचे नहीं गिरा रही है। ये पता नहीं कैसे हो रहा है गाइस, क्योंकि ज़मीन पे तो गिरा देती है, स्विमिंग पूल के अंदर हम लोग इसके ऊपर खड़े हो पा रहे हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर हर गाड़ी के ऊपर खड़े हो सकते हैं? तो फायर ट्रक पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। मिनी जेट पैक से आ चुका हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। अब बस एग्जिट करने की देरी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बीच में आ जाए, ये परफेक्ट पॉइंट है। और जैसे ही मैंने एग्जिट किया भाई, इसने तो मुझे नीचे गिरा दिया। तो बोलेरो पर कैसे खड़े हो गए थे हम लोग? तो गाइस, ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम अपने हाउस में चीट कोड नहीं बुला सकते हैं। तो गाइस, मैं अपने घर के अंदर ही खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने करी बाइक स्पॉन। बाइक की आवाज़ तो आ गई, लेकिन कहाँ स्पॉन हुई है ये देख लेते। चीट कोड मतलब हम लोग स्पॉन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये देखो भाई, घर के अंदर स्पॉन कर दी हमने। और अगर मैं इस वाले फ्लोर पे करता हूँ तो वो ऊपर वाले फ्लोर में हो जाती है। तो गाड़ी आप घर के अंदर भी स्पॉन कर सकते हो, और अगर इसको चलानी है तो चला भी सकते हो। भाई ये दीवार कैसे हो गई थी? ये देखो, दीवार में आसमान दिख रहा है। अगर मैं अपनी बाइक यहाँ पे चिपका के रखूँ ना, तो देखो मुझे दीवार पे ना पूरा वॉइड और आसमान दिख रहा है गाइस। और अगर इधर आऊँ तो ये दीवार बन जाती है, और अब पीछे के साइड मुझे वो सेम चीज़ दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हाउस का कलर ग्रे हो जाता है। तो हाउस का कलर आप बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक ग्रे देखा नहीं, और मुझे पता भी नहीं था ये। तो हाउस कलर ग्रे मैंने डाल दिया RGS टूल में, और जैसे टिक करते गए सच में ये ग्रे कलर का हो जाता है, और ग्रे कलर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है हमारे न्यू हाउस पे। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम 320 वाले जेट पैक को मिक्स कलर करें तो वो मिक्स नहीं होता है। तो गाइस, 320 की चीट कोड से आता है 320 से बड़ा वाला जेट पैक, ठीक है। अब गैलरी खोलते हैं, और इसको आप कलर भी कर सकते हो, तो येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, रेड, जो करना है करो, ठीक है। लेकिन मिक्स कलर पे देखते हैं क्या होता है। तो मिक्स हम लोग जैसे करते हैं तो ये नॉर्मल कलर ही होता है, इसमें मिक्स नहीं हो रहा है गाइस, एक ही कलर बन रहा है। कोई सा भी कलर करो तो मिक्स का जो ऑप्शन है वो फालतू ही दिया है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला जो मिथ है वो ये है कि छोटे वाले जेट पैक को हम कलर नहीं कर सकते हैं, बल्कि बड़े वाले को तो कर ही सकते हैं। तो छोटे जेट पैक का चीट कोड है गाइस 330। और अब गैलरी खोलते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि हम लोग कलर नहीं कर सकते, जबकि बड़े वाले को मैंने अभी करके दिखाया। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग जेट पैक और मिनी जेट पैक को ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। तो बड़े जेट पैक को तो कल हमने ब्लास्ट करके देखा था, और वो हो ही नहीं रहा था, इसलिए मिनी जेट पैक पे भी ट्राई कर लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं होगा, लेकिन ये छोटा है तो क्या पता हो जाए। गन वन से तो कुछ नहीं होगा, इसको सीधा RPG ही मारना पड़ेगा। और RPG मारा मैंने, मुझे भी लग रहा है ये भी ऊपर चला गया था। ये देखो आ गया नीचे, फिर से मारूं, ये कैसे गया यार, बिल्कुल सीधा कैसे चला गया, ऊपर भी नहीं गया, ये सामने की तरफ। और इस बार गया हाई। एक स्टिकी बॉम्ब वाला रह गया था, इस पर भी कर लेते हैं एक्टिवेट, और ये नहीं हुआ क्या? अच्छा, ये तो ऊपर भी नहीं गया। तो गाइस, अब देखो चला के देखते हैं, और ये आराम से चल जाएगा, कंट्रोल्स तो आ रहे हैं, उड़ क्यों नहीं रहा, ठीक है, उड़ गया गाइस, चल गया है। तो ये ब्लास्ट नहीं होता है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग मिनी जेट पैक से बड़े डायनासोर टीरेक्स में बैठ सकते हैं। मिनी जेट पैक का चीट कोड है गाइस 330, और जुरासिक पार्क में आओगे तो डायनासोर भी मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। इन्फिनाइट हेल्थ लगाना मत भूलना, वरना ही आपको मार देगा। अब जस्ट इसके ऊपर लैंड करना है हम लोग को। पोजीशन में तो वैसे आ गया है, लेकिन मैं इसके सर के पास आ रहा हूँ जहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमें बेस चाहिए, तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा इसकी पीठ पे लैंड करूँगा तो शायद खड़े हो जाऊँ। ये हो गया, नहीं, थोड़ा सा और लेफ्ट, हल्का सा, ताकि मैं उतरूँ ना तो नीचे नहीं गिरूँ, थोड़ा सा मुझे लेफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ये परफेक्ट है गाइस, एग्जिट मार रहा हूँ मैं, है ना, रेडी रहना, नीचे नहीं गिरे हम लोग। अरे भाई, ओके, ऊपर चढ़ा तो है, लेकिन ये नीचे गिर जाएगा। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये कि हम लोग न्यू हाउस को कलर RGB करते हैं तो फिर हमें नीचे से पूरा घर क्लास का दिखाई देता है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो फ्लोर दिखाई देता है। तो आपको RGS टूल में जाकर लिखना है हाउस कलर RGB, फिर आपको जो घर है वो भाई RGB हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अंदर चलते हैं, और आपको बाहर से दिख रहा होगा कि जो हमारा पूरा घर है भाई वो ग्लास का बन जाता है, ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन भाई ये क्या है? अच्छा, यहाँ पे है कांच है, और नीचे से तो सब ग्लास दिख रहा था, लेकिन जैसे हम ऊपर आते हैं तो गाइस ये देखो फ्लोर का बन जाता है।
लेकिन नीचे से ग्लास का दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है ये देखो। जस्ट नीचे मैं देखता हूँ तो ये ग्लास है, और जस्ट ऊपर आते हैं थोड़ा सा तो ये बन जाता है गाइस फ्लोर। तो ये कुछ अलग ग्लिच है। ऊपर भी आप देख सकते हो पूरा कांच का हो चुका है, और आगे भी जो खिड़कियाँ हैं उनको आप देखो तो वो भी इनविजिबल हो चुकी है। ये खिड़की पे अगर आप देखो ना तो ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी कांच ना लगा नहीं है, लेकिन जब हम इन पे कूदेंगे ना तो शायद से यहाँ पे कांच लगा होगा। देखो अभी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें आर पार जाने दिया नहीं जा रहा है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग को बिग जेट पैक को स्पॉन करना है, फिर उस पर बैठ के ना उसको स्विमिंग पूल में लेके जाना है, फिर देखना है मैजिक। तो 320 से आता है गाइस बिग जेट पैक, ये मैं बैठ चुका हूँ इस पे, चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है इसको। फिर इसको लेके चलेंगे स्विमिंग पूल में, अंदर लेके जाना है, ये ले आए और ये बाहर आया, फिर वापस बैठना है। और ये मुझे लग रहा है ओके स्विमिंग ग्लिच लग चुका है, लेकिन मेरा बंदा ये क्या कर रहा है भाई, ये कौन सी स्टेप कर रहा है, ये तो मोए मोए कर रहा है गाइस। सही में ऐसा लग रहा है कि भाई मोए मोए वाला डांस कर रहा है ये, तो इतना खतरनाक डांस कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भाई ये नीचे गिर ही जाएगा थोड़ी देर में ना, आधा लटक चुका है नीचे, वैसे गिर नहीं जाए। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि स्विमिंग पूल में बाइक स्पॉन करो, फिर स्विमिंग पूल से उतरते टाइम बाइक में बैठ जाओ, फिर कैरेक्टर अनलिमिटेड हेलमेट पहनेगा। तो हमें पूल में बाइक स्पॉन करनी है एक, ठीक है, फिर मैं समझ गया, हम लोग को इस दीवार पे चढ़ना है गाइस। और जब ये चढ़ेगा ना तो बाइक का ऑप्शन तो आई नहीं रहा, लगता है बाइक थोड़ी दूर हो गई। अब ठीक है, तो उतरते हैं और अब चढ़ते हैं दीवार पे। ये बाइक के ऑप्शन पे दबवा दिया और अब मुझे लग रहा है ग्लिच हो गया हुआ। हाँ गाइस ग्लिच हो चुका है, क्योंकि ना मैं थोड़ा पीछे आ चुका हूँ, तो अब मेरा कैरेक्टर अनलिमिटेड हेलमेट पहनेगा गाइस। और मैं इसको इतने हेलमेट पहनवाने की सोच रहा हूँ कि भाई पूरा जो पूल है वो अनलिमिटेड हेलमेट से भर जाएगा गाइस, सोचो कितना कूल लगेगा। लेकिन उसके लिए मुझे लग रहा है कि 2 दिन तो लग ही जाएंगे गाइस, तो किसी पे बहुत टाइम होना तो ये जरूर करना। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ दिया है प्रिंस ने, और इनका मिथ ये है कि स्विमिंग पूल में साइकिल से स्विमिंग ग्लिच लगा के साइकिल को रिवर्स में चलाते हुए स्विमिंग पूल में टकराना है, फिर हमारा बंदा अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो अगर आपको भी अपने ऐसे मिथ्स भेजने हैं तो भाई अपनी वीडियो भेज सकते हो, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड कर दो। तो हमें ऐसे साइकिल को भाई रिवर्स में लेके आना है, ठीक है, फिर जैसे आप रिवर्स में लाओगे साइकिल लेना पूरी उड़ जाएगी, लेकिन अपने रिवर्स बटन को छोड़ना मत, ठीक है, छोड़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप नहीं छोड़ोगे तो भाई हमारा जो बंदा है वो अंडरग्राउंड आ जाता है। लेकिन अभी ग्लिच पूरा हुआ नहीं गाइस, अब ये जैसे हेलमेट पहनेगा फिर आपको एग्जिट बटन दबा देना है, और अगर आप ऊपर देखो ना तो पानी गायब हो चुका है पूल का, थोड़ी देर रुकना है बस, और जैसे हेलमेट पहने ये देखो एग्जिट बटन दबा देना, फिर आगे का और स्विमिंग का बटन साथ में, मतलब रन का बटन साथ में दबाना, तो आप भाई अंडरग्राउंड आ जाओगे। तो गाइस हमने कर दिया है फाइनली एक अंडरग्राउंड ग्लिच, जहाँ पे नीचे से हम लोग को सब दिख रहा है गाइस सब, और आप कहीं भी जा सकते हो, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जा सकते हो। तो अब मैं आपको नीचे से नज़ारे दिखाता हूँ सारे। देखो नीचे से हमारे NPC भी दिख रहे हैं, और जो गाड़ियाँ हमारे ऊपर से जा रही है ना रोड पे ये तक दिख रही है। ये हमारा एयरपोर्ट है गाइस, हमारे बिग एयरप्लेन खड़े हैं यहाँ पे। यार ये वर्ल्ड कैसा लग रहा है गाइस, सही में ऐसा लग रहा है कि ना सुनामी मोड आ गया है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको गाइस कि पूरे जो हमारी वर्ल्ड है इसमें सुनामी आ चुका है, तो पूरा पानी भर चुका है हर जगह, तो ये एक सुनामी मोड जैसा भी लग रहा है। देखो गाड़ी जस्ट ऊपर से गई मेरे। ये हमारी ट्रेन है भाई, ट्रेन नीचे से कितनी खतरनाक दिख रही है यार, बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है नीचे से। तो ये देखो मैं ट्रेन के नीचे तैर रहा हूँ भाई। और ये रहा हमारा बिग डायनासोर, और ये इकलौती एक जगह है जहाँ पे ना ये मुझे मार नहीं पाएगा गाइस, क्योंकि मैं नीचे हूँ, कितना ही नीचे अपना मुंह डाल देगा भाई। अभी तक मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगाया भी नहीं है, लेकिन तब भी ये मुझे मार नहीं सकता। ये देखो जॉम्बी मोड लगा दिया था मैंने, फिर से किया ये ग्लिच, और ये कितना कूल लग रहा है यार। हमारे ऊपर सारे जॉम्बीज है, हम अंडरग्राउंड से इन्हें देख सकते हैं, और ये हमें मार भी नहीं सकते। वो जरूर भाग रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं भाई उनके नीचे हूँ। बस फाइनल जगह मेरे को देखनी थी एक और, जो कि पानी है, क्योंकि भाई पानी में मैं तैर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि भाई पानी के अंदर जो पानी है मैं उसमें तैर रहा हूँ ना, तो फिर पानी के ऊपर पानी क्या है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन भाई फीलिंग को समझो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पानी में ही आ चुका हूँ, मैं जब से पानी में तो तैर रहा था, लेकिन उस पानी से होते हुए ना मैं पानी के पास आ चुका हूँ, और वो मुझे अपने सेम लेवल का कैसे दिख रहा है भाई। यार ओके मैं समझ गया गाइस, तो ये जो पानी में हम तैर रहे थे ना ये वर्ल्ड के अंडर ही था, और यही पानी समुंदर का है, तो फिर वो सेम लेवल पे आ जाता है, क्योंकि देखो मैं ऐसा लग रहा है कि बीच के सेम लेवल पे आ चुका हूँ, और जब मैं इसे टकराऊंगा तो ये क्या हुआ ओके तब यहाँ पे ग्लिच होगा और हम लोग नीचे गिर जाएंगे। बस ये फाइनल चीज और ट्राई करनी थी मुझे, कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट का बटन दबाता हूँ भाई, तो मैं अंडरग्राउंड से सीधा ऊपर वाले ग्राउंड पे, मतलब कि अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता हूँ गाइस, वो भी उड़ के भाई, क्या सही लगा देखने में। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है।
तो गाइस ये थे हमारे आज के मैच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।